हमारे चैनल हरकेश यादव हरी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज सीटेट में सीटेट संबंधित जो हम वीडियो आपको देते हैं और टेट संबंधित, तो आज सीटेट संबंधित वीडियो देंगे जिसमें पौधों के जो खाए जाने वाले भाग होते हैं उनसे प्रश्न आता रहता है। सीटेट में बार बार पूछा जाता है प्रश्न, और इसमें दिसंबर में भी एक प्रश्न आया हुआ था जो हल्दी और गाजर मूली करके ऐसे प्रश्न दिया हुआ था। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं जो पौधों के खाए जाने वाले भाग से संबंधित होता है। और सीटेट में अधिकतर करके देखते हैं कि मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आधारित जो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं वो आते रहते हैं। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे सीटेट संबंधित, आपको उससे संबंधित वीडियो मैं देता रहूँगा। और थोड़ी समस्याएं होने के कारण वीडियो आपको नहीं मिल पाई, तो उसके लिए खेद है। तो चलते हैं, जैसे पौधों के जो खाए जाने वाले भाग हैं उनसे जुड़े हुए जो वीडियो होंगे आज वो वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। कि जैसे हैं कि जैसे पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे तना में क्या खाते हैं, जड़ में क्या खाते हैं, पत्ती में क्या खाते हैं, फल में क्या खाते हैं, बीज में क्या खाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो खाते हैं हम, उसमें तना है, बीज है, पत्ती है, फल है, फूल है, तो इससे जुड़े हुए जो होते हैं प्रश्न उससे पूछता रहता है। कि पूछ देगा कि प्याज का क्या खाते हैं, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, और सलपत्र खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, क्या खाते हैं, इस तरह आलू का क्या खाते हैं, तो आलू क्या है, इस तरह से प्रश्न जैसे एनसीईआरटी बुक में हमें समझाया गया, बताया गया, छोटे छोटे बच्चों को निर्देश के रूप में दिया गया है कि जैसे बच्चों को जागृत करने के लिए, तो उन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सीटेट हमें अवगत कराता है। और उन्हीं सब चीजों को, फैक्ट को, चीजों को पूछता है। और 15 नंबर के जो प्रश्न आपको पेटागॉजी संबंधित, शिक्षक संबंधित होते हैं, विधियों के ऊपर, उनके क्रियाकलाप के ऊपर और समझदारियों के ऊपर जो दिशा निर्देश होते हैं उनके ऊपर होता है प्रश्न। तो आपको देखते हैं कि तना में क्या क्या आता है, आपको तना के बारे में बताते हैं कि क्या क्या तना में आपको पढ़ना है और तना के बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो जैसे आपको तना में आपको बता दें कि जैसे आलू, प्याज, अदरक और हल्दी, जो ये हम मनुष्य द्वारा कहने या व्यक्तियों के द्वारा खाया जाने वाला भाग होता है, तो जिसमें से है आलू है और अदरक है, तो तना में जैसे आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, जैसे ये चीजें जो हैं पूछता है, ये जैसे सीटेट का जो लेंदी लेंदी प्रश्न होते हैं इन्हीं कारण होते हैं, जो 3-4 ऑप्शन देगा उसमें से पूछता रहेगा, प्रश्न पूछता रहता है, बार बार पूछेगा, तो ये प्रश्न इस तरह से, इस टाइप से प्रश्न देते रहते हैं और पूछता रहता है। यही कारण होता है कि जैसे पूछ देगा कि आलू, अदरक, प्याज, 3 ऑप्शन में दे देगा ये है, चौथे ऑप्शन में कोई दूसरा दे देगा जो उसमें से नहीं मैच करता है, तो प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न देता रहता है। और लहसुन, लहसुन भी है, लहसुन, तो ये जो है तना, जो पौधों के खाए जाने वाले भाग होते हैं, तना के रूप में पाए जाने वाले जो भाग होते हैं ये होते हैं आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भाग हैं ये इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, फिर आपको आगे बताते हैं कि जड़ के रूप में क्या खाया जाता है, जड़ में कौन कौन से भाग होते हैं जो पौधों के, वो जड़ के रूप में होते हैं उनको खाया जाता है, उनके बारे में बताते हैं आपको हम। जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये जो भाग होते हैं जड़ के रूप में होते हैं, जो जड़ के रूप में हम उनको, पौधों के भाग होते हैं जो खाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। और कहने की
ये तना, जड़ और इसके बाद पत्ती, फूल, फल, ये भोजन में ही आते हैं, भोजन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वो भाग हमको जैसे पूछता जब है तो ऑप्शन के रूप में दे करके, तीन चार ऑप्शन दे करके और इस तरीके से पूछता है, उसमें जैसे एक तरह से फंसाने का काम करता है, जैसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कौन सा जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, तो ये भागों के रूप में प्रश्न आता रहता है। तो ये जड़ हो गया, जड़ के बाद पत्ती के रूप में आपको बता दें कि पत्ती कौन कौन से, मूली आपको बताया दी, ये शलजम, चुकंदर और गाजर, और उसके बाद शकरकंद जो है, शकरकंद जो ये भी है जड़ के रूप में, इसको खाया जाता है हम लोगों के द्वारा। फिर पत्ती, पत्ती में जैसे कह लें कि पालक, बंद गोभी, जैसे पात गोभी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो बंद गोभी, फिर सरसों, बथुआ, मेथी, ये इत्यादि प्रकार के जो होते हैं, इनके रूप में जो हम खाते हैं, पालक कह लें, बंद गोभी कह लें, सरसों कह लें, साग कह लें, तो इनका पत्तियों का हम जो भक्षण करते हैं, भोजन के रूप में खाते रहते हैं, ये होते हैं भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं, तो पालक हो गया, बंद गोभी और अगले क्रम में है, बंद गोभी हो गया, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली, चना। मूली के जो भाग होते हैं, हम एक तरह से कह रहे कि एक हमने दिखाया आपको जड़ के रूप में, और उसके पत्तियों का भी हम सेवन करते हैं, तो वो हो गया मूली। चना का हम खाते हैं, सरसों का खाते हैं, इत्यादि जैसे जो बहुत सारे होते हैं, बथुआ कह लें, और बहुत सारे हैं जिनके हम पत्तियों का भक्षण हम करते हैं, कह लें कि अधिकतर करके एक तरह से देखेंगे लहसुन के भी पत्तियों का हम भक्षण करते हैं, थोड़ा बहुत लोग करते हैं, तो प्याज के भी पत्तियों का लोग देखते हैं, कहीं कहीं बना देते हैं, लेकिन मूल रूप से कह लें कि हम जो प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, जैसे ये होता है, क्या होता है कि वो शल्क पत्र के रूप में होता है प्याज, उनके शल्क पत्रों को खाया जाता है, तो कुछ कई जगह खा लेते हैं लोग, लेकिन मूल रूप से जो है ये इस प्रकार से है। पत्तियों को हम जैसे पालक, बंद गोभी, मूली, चना, सरसों इत्यादि की पत्तियों को हम भक्षण करते हैं। फिर जड़ का जो होता है, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद, ये इत्यादि जैसे जो मुख्य रूप से जो जिनका भक्षण हम करते हैं, खाते हैं, कहने एक तरह से आहार के रूप में लेते हैं, तो ये है। फिर आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये हो गया। फिर आपको फूल, जो फूल के रूप में हम बता दें, जैसे गुलाब हो गया, गुलाब के फूलों को हम अधिकतर करके देखते हैं, सेवन करते हैं उसका, गुलाब के। फिर उसके बाद फूल गोभी, फूल गोभी हो गया, फिर ब्रोकोली हो गया, केला हो गया, सीताफल हो गया, कचनार, मतलब फिर होता है केला हो गया, केला के जैसे कचनार कहते हैं अधिकतर करके, केले के फूलों की भी हम बनाते हैं, देखते हैं बहुत जगह बनता है, केरल वरल में बनता है, इत्यादि जगहों पे बनाते हैं लोग अधिकतर करके, तो कचनार हो गया, फिर उसके बाद केला हो गया, फिर सहजन हो गया, इत्यादि कह रहे हैं कि इत्यादि प्रकार से फूल जो होते हैं, फूल के रूप में हम सेवन करते हैं, वो होते हैं गुलाब, फूल गोभी, कचनार, केला, सहजन, इत्यादि प्रकार के जो होते हैं, इनका हम सेवन करते हैं, इस प्रकार के पौधों का हम कहने एक तरह से कि पौधों के भागों का हम उपयोग करते हैं। और बीज के रूप में तो हम जान ही रहे हैं कि जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, इत्यादि प्रकार के जितने भी हमारे खाद्यान्न सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे जो होते हैं उनका हम भक्षण करते हैं, चाहे सरसों का भी ले लें तो सरसों का भी उपयोग करते हैं हम, गेहूं, चना, मटर, जो भी कह लें, ये जितने भी होते हैं इस प्रकार के बीजों का हम उपयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, गेहूं, चना, सरसों, दाल के रूप में कोई भी कर सकते हैं,
दालों का उपयोग, जैसे दाल में जैसे कोई भी आदमी मसूर आ गया चाहे जो भी हो गया, बहुत सारे इत्यादि प्रकार से होते हैं, तो इनका हम उसमें जो उपयोग करते हैं। हम फल के रूप में बता दें आपको कि फल के रूप में हमारा जैसे सेब प्रकार से समझ सकते हैं कि सारे जितने भी फल के अंतर्गत सेब, संतरा, टमाटर, और वो कह लें एक तरह से कि बैगन, जो भी फल के अंतर्गत जितने भी आते हैं फल के अंतर्गत, वो सारे के सारे जो फल होते हैं उनका फल के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न पूछता रहता है, अधिकतर करके देखते हैं प्रश्न इस प्रकार से पूछता रहता है कि कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो भाग होते हैं वो तना नहीं है, तो अधिकतर करके पूछ देगा, अगर तना दे देगा गाजर, मूली, सलजम दे देगा, और एक तो दे देगा आलू दे देगा, या तो दे देगा आलू, अदरक, प्याज दे देगा, एक दे देगा गाजर दे देगा एक ऑप्शन में, फिर एक ऑप्शन में पालक, बंद गोभी, मूली दे देगा, प्याज दे देगा, फिर और कह देगा कि मूल जैसे तीन ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन पूरा का पूरा दे देगा आलू अदरक प्याज दे दिया, फिर उसके बाद कौन है और कौन नहीं है तो इसमें से दे देगा, तो पता चलेगा कि एक ऑप्शन में जैसे कुछ ऑप्शन में तो मैच करेगा, कुछ ऑप्शन में नहीं मैच करेगा, जो पूर्ण रूप से रहेगा तो उसके अंतर्गत वो सही रहेगा, जिसमें तीनों ऑप्शन मैच कर रहा वो सही हो जाता है। तो अधिकतर करके प्रश्न देखते हैं इसी तरह से पूछता रहता है, और प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है ऐसे प्रश्न, और भोजन बनाने की विधियों के ऊपर उबाल कर, छान कर, तल कर, कैसे किस प्रकार से खाते हैं भोजन को, उसके ऊपर बहुत प्रश्न आए हुए हैं, कई बार प्रश्न आया हुआ है। और हम दोस्तों बता दें आपको कि हम वही चीज पढ़ाते हैं जो सीटेट में अधिकतर करके, जैसे क्या होता है कि अधिकतर करके प्रीवियस ईयर का जब प्रश्न देखेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो उनसे जितनी भी जुड़ी हुई चीजें, जैसे प्रश्न जहाँ से उठाता है, अब फालतू चीजें पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है जिससे, और आपको हम तो कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर करिए, और उस प्रीवियस ईयर के पेपर करने से आपको मान के चलिए कम से कम 80% आपको सफलता होने की आशा उसमें रहती है, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें प्रश्न अधिकतर करके मैच करते हैं, कम से कम 35% प्रश्न आपके जो होंगे नेक्स्ट एग्जाम आने वाले टाइम के उसमें मैच कर जाते हैं। और दूसरी चीज की जितनी प्रश्न जो 75 नंबर के शिक्षण होते हैं, शिक्षण में कह लें हम आपको कि आपका जो 100% वो देने की कोशिश करता है प्रीवियस ईयर का पेपर, और जितना किए रहेंगे उसमें वही एकदम लर्जा रहता है इसमें भी, तो हम कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर करिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर ही तैयारी करिए, और उससे संबंधित आपको जितनी बार उसको प्रीवियस ईयर के पेपर को करेंगे और उससे बेनिफिट होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखते हुए, देख करके कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाया है और क्या क्या एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसके थीम के ऊपर, और जिसके बारे में जिक्र किया गया उस चीजों के बारे में हम बताते हैं अधिकतर करके देखेंगे, क्योंकि इसके पिछले बार में देखेंगे कि हम तो अभी हमारा चैनल को बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि हमारे वीडियो को पर डे रोज देखते रहते हैं, मान लीजिए हम तो अब करीब करीब 2 महीने से वीडियो नहीं डाल पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारा चैनल का जो वीडियो है वो रन करता रहता है, एक देखेंगे सलाद का हो गया, और एक देखेंगे कि घटपड़नी का हो गया, और रेगिस्तानी का हो गया, जैसे प्रश्न जहां से आते रहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा जो रेगिस्तानी का वीडियो हमने डाला था वो एक ही दिन में 1K पार हो गया था, क्योंकि जैसे अब क्या है जो चीजें जो प्रश्न हमने बोला था आपसे कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, घटपड़नी से बोला था प्रश्न आएगा ही आएगा, नेमरथीस के बारे में पूछा था, फिर उसके बाद जितने भी सलाद के बारे में पूछा था, हाथी के बारे में आपको पढ़ाया था वो भी प्रश्न आया हुआ था, तो ये प्रश्न जहां से आते रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देखेंगे कि आप 2 बार पूछा हुआ है और उनके बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र भी किया है, तो वो चीजें पढ़ानी चाहिए जहां से प्रश्न आते रहते हैं। और बाहरी चीजें पता चलता है कि सीटेट में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें यूपी टेट संबंधित पढ़ाने लगते हैं, तो बच्चे उसी में गुमराह हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और प्रश्न नहीं करते हैं, वो आप मान लीजिए वो भाई अपने मन से जितना उनकी क्षमता है कर जाए वो अति उत्तम है, लेकिन फिर भी लोग अधिकतर करके यही कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक को पढ़ेंगे तो आपको सीटेट में आप ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो दोस्तों ये था, हम आपको देखिए ये चीजें अब हम ये 100 में 100% नहीं कह रहे हैं कि अब ये प्रश्न पूछेगा इससे जुड़ा, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि इससे प्रश्न आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, दिसंबर का पेपर उठा लीजिए, जुलाई का उठा लीजिए, किसी में आपको जरूर मिलेगा, अधिकतर करके दिसंबर में ही प्रश्न ये पूछा हुआ था, जो इस बार का दिसंबर का पेपर हुआ था उसी में, और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको आना ही आना है, इससे जुड़ा नहीं आएगा तो समझिए कि उसके बनाने की विधियों के ऊपर आ जाएगा या भोजन सामग्री के ऊपर आ जाएगा, लेकिन प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर रहता है और पूछता भी है।
तो ये सब चीजें जो जिससे सभी चीजें जिसे हमने आपको बताया निपात के बारे में पढ़ाया हुआ था, निपात से भी प्रश्न आया हुआ था, आप देख लेंगे कि ही निपात शायद हमने बताया था वो शायद आया हुआ था निपात, और हमको निपात का वीडियो हम आपको डाले हैं। निपात का प्रश्न एक प्रश्न 100% आता ही आता है, कहीं ना कहीं देखिए उसमें दो प्रश्न होते हैं, दो तरह से जैसे या तो क्या होता है कि आप हमने आपको निपात हिंदी में पढ़ाया था, तो निपात क्या करते हैं कि अधिकतर करके आपको फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होती है, तो फर्स्ट में ना पूछ कर सेकंड में पूछ देता है और सेकंड में ना पूछ के फर्स्ट में पूछ देता है, तो वो अलग बात है कि आप कौन सा लैंग्वेज लिए हैं वो आप पे निर्भर करता है, और वो अधिकतर करके प्रश्न पूछता रहता है, तो इससे जुड़े। और आपको बता दें कि वो खैर देखेंगे वीडियो देखेंगे मेरी तो उसमें पता चल जाएगा आपको, और ये चीजें था, ये आपको चीजें इतना बताना था हमको जो अथेंटिक चीजें थी, आपको बताया हमने पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से होते हैं, तना जैसे तना के अंतर्गत आता है आलू अदरक प्याज हल्दी लहसुन, ये चीजें जो होती हैं मनुष्य के द्वारा खाए जाने वाले भाग होते हैं, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भाग होते हैं, और जड़ जड़ के अंतर्गत हमारे अंतर्गत गाजर मूली शलजम चुकंदर शकरकंद इत्यादि प्रकार से आते हैं, और पत्ती के अंतर्गत हम जो भाग खाते हैं पालक है बंद गोभी होगी मूली होगी चना होगी सरसों होगी इत्यादि जो पौधे होते हैं इनके हम क्या करते हैं कि पत्तियों को भी खाते हैं, और फूल को खाए जाने वाले जो भाग होते हैं गुलाब का गुलाब के जो होते हैं उसको खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं कचनार खाते हैं केला को खाते हैं शलजम का भी खाते हैं इत्यादि प्रकार से और भी है कई नाम है जो खाते हैं। फिर बीज में कह लें बीज के अंतर्गत हम गेहूं चना मटर जो इत्यादि प्रकार से जितने भी हमारे जो खाद्यान्न उत्पादन करते हैं हम कृषि जगत में अधिकतर करके उनका हम देखते हैं कि खाने का जो हम खाते हैं चावल हो गया जैसे चावल क्या कहने धान एक प्रकार से कहने बीज ही है तो उसको हम धान को उसको टेक्निक तरीके से कहने एक तरह से भी उसको करके चावल बना करके हम खाते रहते हैं। फल के अंतर्गत सेब संतरा टमाटर बैगन आंवला इत्यादि प्रकार के नाशपाती इत्यादि प्रकार के जो होते हैं इनको हम फल के रूप में खाते रहते हैं। तो हम दोस्तों बता दें आपको कि आप अब इससे जुड़ा हुआ जो है आपको भोजन बनाने की विधियों के ऊपर और कई है टॉपिक बहुत सारे टॉपिक हैं हमने आपको पढ़ा नहीं पाया थोड़ी समस्याएं हो गई इसकी वजह से नहीं पढ़ा पाया, और आपको आप वीडियो देने की कोशिश करूंगा क्योंकि सीटेट का अभी समय है लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा घर में ही बने रहिए क्योंकि भाई जितना जान है तो जहान है, तो हम तो कहेंगे कि आप जितने सेफ रहना चाहें तो आप अपने आप को जितने केयरता देंगे उतना ही अति उत्तम रहेगा, आप जितने अपने आप से सेफ रहेंगे दूसरों के भरोसे नहीं अपने आप से जितना आप केयरता बरतेंगे उतना ही आपके लिए भलाई है, तो स्टे होम रहिए अधिकतर करके कहीं हम यही कहना चाहेंगे आपसे, और निवेदन भी है आपसे कि आप रहिए और हमारी तरफ से एक तरह से मैसेज समझ लीजिए आप और हमारे जो भी होंगे, आज कोरोना का प्रकोप बहुत सारा बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन करीब करीब 26 करीब हाँ 26 से ऊपर ही हो गया 2600 से ऊपर हो गया है 62-64 लोग मर चुके हैं, तो ये एक तरह से कह लें कि एक महामारी का विराट रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे आप अपने घर में बने रहिए और घर के माध्यम से आप YouTube माध्यम से अपना पढ़ाई जारी रखिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद और अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।